जो बोलती थी छह छह गाड़ियां मेरी है, मैं राकी आदिल की गाड़ी में घूम रही हूँ, हर्ट होता है मुझे, मेरी गाड़ी है वो। क्या 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 पानी 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 करते करते और आदत नहीं है हमारी हर महिला को बाजारू बोलने की, वैश्या बोलने की। अरे इनके सैलून पर गई मैं जो लोखंडवाला में है, शानदार सैलून है, शानदार सर्विस है, ऐसी महिला को वो कहती है कि बाजारू है। लानत है उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसकी नीचता पर। मेरा नेल आर्ट स्टूडियो, मेरा काम है नेल्स का। नेल्स करने के लिए केवल और केवल गर्ल्स आती है, हम सर्विस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देते हैं। नेल आर्ट स्टूडियो और आईलैशेस करते हैं हम और नेल्स करते हैं, वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है? उसने जो मुझे धमकियाँ दी है इनलीगल एक्टिविटीज़ की, उसने सीधा सीधा बोला है अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, अगर मैं आदिल से बात करती हूँ, आदिल का साथ देती हूँ, तो वो मीडिया के पास जाएगी और वो बोलेगी कि राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो में इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है और उसके नेल आर्ट स्टूडियो बंद कर देगी वो। उसका कहना ये था कि राजश्री आज जो कुछ भी है नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से है, तो दुनिया को गुमराह करेगी, जनता को गुमराह करेगी और मेरा बिजनेस ठप कर देगी, मेरे पेट पर लात मार देगी अगर आदिल का साथ देती हो। हम वही करेंगे जो सच है और सच के साथ ही बैठेंगे। राखी सावंत, हम आपसे डरते नहीं है। ए, सुन ले, तू कहीं पर भी हो सुन ले। शेरनी चोपड़ा है नाम मेरा, सुन, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये ऐसी है, वो वैसी है, ये वैश्या है, ये बाजारू है, ये खूनी है, ये बलात्कारी है, तू क्या है बे? तू क्या है? औकात में रहो, ये देश है, देश समाज है, जंगल नहीं है, कानून से चलता है, नियम है इस देश में, महिलाओं के लिए भी नियम है, कानून है। अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, भाई को पता नहीं क्या क्या बोला मेरे बारे में। मुझे तो राष्ट्र के बारे में भी बहुत चीजें बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राष्ट्र की वजह से। ये मुझे बताना, ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मुझ में मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो मैं बताता हूँ, जब मुझे जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी को, जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा आज तुम बोल रही हो राखी कि यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, वो यू वॉन्ट टू डू इट, मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल, मैं राष्ट्रीय के बातों में आके मैं बहक गई, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और जो धाराएं का जो उसका उसका ही ये था दिमाग था इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी, वो बोलती थी ऐसे वो ये, जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है
मेरी जो दोस्त राष्ट्रीय मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उसे मिलना बंद कर दूं? आप मुझे बताओ। तो आई वॉज सो सैड कि राष्ट्रीय मुझे जेल भेजाने में तुम कैसे भागीदारी बन सकती हो यार, जबकि तुम मुझे हर बार बोलती थी आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं तुम्हें समझा, मैं राखी को समझा रही हूँ। मैं ऑलवेज ये कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ में रहो। क्योंकि जब भी झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, मैं बोलता था राखी को समझाओ, और राखी तो मुझे यह बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। तो एज अ हस्बैंड जब राखी आपको एवरी डे आके ये सारी चीजें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या आप मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे अवे, क्यों कर रही हो ये सब कुछ, क्या मिल रहा है आपको? अच्छा, तुम दोनों लवली सिस्टर्स ऑफ पूरे गांव में घूम रहे हो और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बता दूं? एज अ हस्बैंड कोई कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राजश्री ये सब कुछ क्यों कर। उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है और मेरे पास आके क्या कर रही है। राखी सावंत मेरे पास आती है एवरी डे, सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफर कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है, उस वजह से बहुत सफर कर रही हूँ। एवरी डे मेरा काम था, मैं वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गांव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने साथ में। जाने स्टोर उसके थे ना जी, वो मैंने अभी क्लियर किया है, मैं फिर से क्लियर करूंगी इस बात को। मैं भी एंडोर्स करूंगा क्योंकि जब फूड